Number one. Time period denoted by capital T. Okay? The second is frequency. This is F, or sometimes nu se denote karte hain. And the third one is wavelength, which is lambda. Okay? Are you ready? Yes, sir. So how a wave is generated actually? आओ जरा वेव जनरेट करके देखते हैं प्यारे बच्चों की वेव जनरेट कैसे होने वाली है। मैंने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को यहाँ पे लाया हूँ। ये है नेचुरल लेंथ। कौन सी लेंथ? ये कौन सी पोजीशन? मीन पोजीशन। ओके बेटा, और मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया। मुझे बस इतना बताओ कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम किसके अबाउट ऑसिलेट करेगा? जितना आप इसको बेटे डिस्प्लेस करोगे उतना ही तो ऑसिलेट करेगा, पता नहीं करेगा कि नहीं। और बेटा आप यहां से कनेक्ट करें किसी स्ट्रिंग को, ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे भी मान सकते हैं कि कैसे कोई हॉरिजॉन्टल लेवल है टाइप से, ऐसे कोई सिस्टम रखा होगा इस पर ऐसे रस्सी रखी है, क्लियर है ना? ये ऐसे भी देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैंने एक स्ट्रिंग को इससे जोड़ा और बेटे मैंने इसको ऑसिलेट कराया। देखना, इसका ऑसिलेशन यहां से हुआ यहां तक, तो ये ब्लॉक केवल कहां से कहां नाचेगा? मैं नाचू नाचू ऐसे नाचू नाचू नाचू, ये यहां से भाई, ये इसका एम्पलीट्यूड है ना? ओहो, और इसके साथ क्या रस्सी जुड़ी है? तब तो इसको भी नाचना पड़ेगा। किसको? तो रस्सी का तो यही पार्ट नाचेगा, तो क्या मैं भी नाचू? तो इसका मतलब जानते हो क्या होगा? ऐसा होगा, ज्यादा ऊंचा नहीं हो गया वो कुछ? ऐसे, और ये हर इंस्टेंट पर अलग अलग होगा। ये किसी इंस्टेंट टी पर है जब आपने इसकी फोटो खींच ली, वरना हो ये रहा है कि डिस्टरबेंस कंटिन्यूसली चेंज होगा। जैसे जैसे बेटे यहां ऑसिलेशन होगा, काश मेरे पास एक स्ट्रिंग होती तो मैं इसके अंदर वेव सेटअप करके दिखाता, लेकिन अभी वीडियो दिखाऊंगा अगले टर्न पर ताकि आपको विजुलाइज करा सकूं। ऐसा नहीं कि मेरे पास वीडियो नहीं है, है ना? मेरे पास भी बहुत वीडियो है, मुझे बता दो, मैं बहुत सर बहुत सारी वीडियोस दिखा चुके हैं और भी दिखाते रहते हैं, मैं भी दिखा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन फिलहाल बिना वीडियो के विजुलाइज करते हैं। तो यहां से जब आप इसको क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इसके ऑसिलेट करने से क्या हो रहा है? और कुछ झटका, कोई झटका कहां पड़ा जा रहा है? क्या बेटा आगे बढ़ा जा रहा है? ये झटका, ये जो एनर्जी है इसे हम क्या कहते हैं? ये बेटे वेव है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टिकल को इस इंस्टेंट पर देखें, यहाँ वाले को, और इसको बहुत ध्यान से एनालाइज करें, वीडियो कैमरा लगा दे इसके ऊपर, समझ रहे? तो जब इस पर वीडियो कैमरा लगाओगे तो आप देखोगे कि ये पार्ट केवल ऊपर और नीचे जा रहा है, पता नहीं जा रहा है कि नहीं, ये कभी आगे नहीं बढ़ता। मैं आपको बता दूं, ये बात आप समझ लें, हमें ऐसा लगता है कि जब समुद्र से चलने वाली लहरें आगे बढ़ती हैं तो ये भाई साहब यहाँ पहुँच जाते हैं, ये नहीं यहाँ पहुँच रहे, ये वहीं हैं, इनके नीचे वेव पहुँच रही है। अबे किनारे ये तो यहीं खड़ा है, ये आई लहर, ये तो यहीं है ना? नहीं समझे सर, आप कहना क्या चाह रहे थे बड़ा बताओ बेटे? जब एक्चुअल में यहाँ से शोर की तरफ ये पल्स आती है, तो जो यहाँ पे खड़ा हुआ बंदा है, अगर वो इस समय यहाँ है तो वो तब भी यहीं है, ये थोड़ी इसके ऊपर भाग रहा है, ये पल्स इसके नीचे आती है तो ये यहाँ पहुँच जाती है। फिर क्या होता है? अब तो ये तो यही है, बस केवल क्या कर रहा है, ऊपर नीचे ऑसिलेट ही तो कर रहा है। तो यहां भी यही हो रहा है, ये पल्स आगे बढ़ी जा रही है कंटिन्यूसली, हर बार पोजीशन बदल रही है, लेकिन ये पार्टिकल कहाँ है? वहीं पर है। क्या मेरी बात क्लियर है?
जो इसका एम्पलीट्यूड है वही एम्पलीट्यूड वेव का एम्पलीट्यूड है, प्लस ए और माइनस ए. द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पार्टिकल इज द सेम एज दैट ऑफ द वेव. इज दैट क्लियर? और जरा बताओ बेटे, इसका एक ऑसिलेशन हुआ, यहां से यहां जाना, फिर यहां आना और फिर यहां आना. इतने में तो ये हुआ, पता नहीं हुआ कि नहीं. क्या ये इसके एक ऑसिलेशन में लगने वाला टाइम है? क्या इतने में वेव यहां पहुंच गई? तो ये टाइम और ये टाइम दोनों टाइम पीरियड कहलाते हैं. यानी कि इस पार्टिकल का टाइम पीरियड या इस वेव का टाइम पीरियड दोनों क्या है? एक ही बात है. क्या मेरी बात क्लियर है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, क्या नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जितनी बार यहां गया, या तो ये काउंट कर लो, या एक सेकंड में ये जितने हुए ये काउंट कर लो. यही तो इसकी साइकिल है और यही इसकी फ्रीक्वेंसी. क्या तो समझ में नहीं आया? क्या सब बच्चों क्लियर है? तो पहली डेफिनेशन क्या कह रही थी? तो टाइम पीरियड इज सिंपली टाइम पीरियड ऑफ द सोर्स. इस सोर्स का जो टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड किसका है? क्या मेरी बात सबको क्लियर है? बेटे फ्रीक्वेंसी इज व्हाट सर? सिंपली एफ इज इक्वल्स टू क्या बेटे? 1/T. और एक ऑसिलेशन के टाइम में वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है यही क्या कहलाती है? ये वेवलेंथ या लैम्डा कहलाती है. सर नहीं आ रहा? किसके टाइम में? एक ऑसिलेशन के टाइम में. आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो अगर आप इसके चार डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पर मान लो डायग्राम बनाओ. बेटे सोर्स आपको दिख ही रहा है, कहाँ दिक्कत है? जितनी देर में सोर्स यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो जरा सोचो जो रस्सी थी क्या वो यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच गई? तो इतना पार्ट आगे बढ़ गया ना, बड़ा सन्नाटा था. पता नहीं क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं. हालांकि टफ पार्ट है थोड़ा सा. जब ये यहाँ है मीन पर, तो ये पॉइंट यहाँ है ना. जरा बताओ उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, मीन से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा? 3/4. तो रस्सी तो अब यहाँ है ना, तो यहाँ पहुँच गया ना. फिर क्या हुआ? क्या वापस यहाँ आया? तो क्या फिर रस्सी यहाँ आ गई? तब तक तो ये पूरी पल्स बन चुकी है. फिर कहाँ आया है? शाबाश, के नीचे आया. तो पल्स कहाँ पहुँच गई? क्या ये बन गई? और फिर ये कहाँ पहुँचा? वापस यहीं पूछा. तो क्या पूरी पल्स नहीं बन गई? सॉरी, ये मेरे ख्याल से तो ठीक है. बोलो बेटे. तो ये जो सोर्स के वाइब्रेशन हो रहे हैं बेटे, सोर्स के वाइब्रेशन के कारण ये पल्स आगे बढ़ रहे हैं और ये डिस्टेंस कहलाती है लैम्डा. अब मैंने आपसे कहा कि एक ऑसिलेशन का टाइम मतलब कैपिटल टी में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. एक ऑसिलेशन के टाइम में वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है लैम्डा कहलाती है. तो यूनिट टाइम में कितना चली? लैम्डा बाई टी. और क्या 1/T को एफ लिख सकता हूँ? तो क्या इसको एफ लैम्डा लिख सकता हूँ? और डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम को स्पीड कहते हैं. किसकी स्पीड? तो क्या वी बराबर एफ लैम्डा? यही तो फार्मूला है जिसे आप एन लैम्डा या एफ लैम्डा कहते हो. समझ में नहीं आ? एक ऑसिलेशन के टाइम में वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये डिस्टेंस ही तो लैम्डा कहलाती है. और एक ऑसिलेशन मतलब कैपिटल टी तो यूनिट में इतना, और एक सेकंड में ट्रेवल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? तो वी बराबर एफ लैम्डा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. एफ लैम्डा या एन लैम्डा कुछ भी कह सकते हैं. क्या मेरी बात सब बच्चों क्लियर है ईमानदारी से? अच्छा अब सुनो बेटे ध्यान से. ऑसिलेट कर रहा है केवल ये पार्टिकल. हम लोग जो वेव पढ़ रहे हैं बेटे, मैं आपको बता दूं, पहले हम लोग साइनोसॉइडल वेव पढ़ रहे हैं. स्ट्रिंग के अंदर जो वेव बनती है वो बनती है साइनोसॉइडल. या ब्रीफ में कौन सी वेव? इसको स्टडी करना आसान होता है. और ये तब बनती है जबकि सोर्स SHM कर रहा हो.
क्योंकि आपका सोर्स क्या कर रहा है, क्या इसको प्रूफ करने की जरूरत है? कोई प्रूफ नहीं सर। ओमेगा पता है आपका अंडर रूट के बाई एम? बोलो बेटे कैसी वेव? ऐसे जब। और कमाल की बात जानते हैं क्या है सर? क्या है वो? ये है कि सारे पार्टिकल एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं। अगर ये SHM कर रहा है तो ये भी SHM कर रहा है, ये भी SHM कर रहा है, ये भी SHM कर रहा है। सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? SHM। और किसी इंस्टेंट पे आपने फोटो खींचा, क्या खींचा? तो रस्सी रुक गई। जब आपको रस्सी रुकी तो ये वाले पार्टिकल भाई साहब यहाँ थे, ये यहाँ थे, ये यहाँ थे, ये यहाँ थे, क्या ये यहाँ था, क्या ये यहाँ था, क्या ये यहाँ था? तो क्या आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की पोजिशन की खबर हो गई? एक अजम्पशन लेना है बेटे हम लोगों को कि शेप ऑफ द पल्स डज नॉट चेंज विद टाइम। पल्स टाइम के साथ कभी भी चेंज, यानी कि जो पल्स की शेप है वो ये ऐसी ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। शेप ऑफ द पल्स एम्पलीट्यूड स्मॉल, ये अपने अजम्पशंस हैं। क्योंकि अगर ये अजम्पशन रहेंगे तभी मैं मान सकता हूँ कि सारे पार्टिकल एक जैसे वाइब्रेशन मोशन को फॉलो कर रहे होंगे। तो वेव की पल्स की शेप हमेशा कैसी रहेगी? सेम। अच्छा, शेप वेव कैसी भी हो सकती है, डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर कि आप उसे वाइब्रेट कैसे करा रहे हैं। ऐसे वाइब्रेट कराओगे तो हो सकता है ट्रायंगल बन जाए, कैसी बना लो। लेकिन हम शरीफ लोग हैं, हम तो ये पढ़ते हैं। कौन सी? अरे सारे नाच रहे, गजब है, समझ में आ रहा। इसका ऐसे जम, तो इसका भी ऐसे जम, इसका भी ऐसे जम, इसका भी ऐसे जम, इस तक भी पहुंचा नहीं, इसे भी पता ऐसे जम करना पड़ेगा। ओ आ गई ऐसे जम, नहीं आ रहा क्या? ऑल पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग, सबके साथ वही होगा जो आज इसके साथ हो रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या, ये क्या इसका भूतकाल ये है? इसका पास्ट है ये? बोलो भाई साहब। और फ्यूचर में इसके साथ वही होगा जो इसके साथ हो चुका है? अच्छा, ये बात तय है कि जो तुम्हारे साथ आज होने वाला है वो मेरे साथ बहुत पहले हो चुका है। बोलो बेटे। और बस इसी से हम इसी का फायदा उठाने वाले हैं। इसी का फायदा उठाते हुए वी विल डराइव इक्वेशन ऑफ वेव, ए जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा समय लेगी, हल्का सा। बस यही टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है और लेकिन डिफरेंट है, बहुत अच्छा है। इस इक्वेशन के लिए थोड़ी देर के लिए सब लोग मेरे ध्यान से बात को सुनेंगे। बेटे पार्टिकल का मचलना तो इधर है और वेव का चलना किधर है? आगे है। ये वेव चल रही है बेटे, झटका, ये कौन? ये यही है, ये तो यही है। कौन आगे जा रही? कुछ आगे जा रहा है। जो मीडियम में आगे बढ़ता है वो क्या है? और पार्टिकल, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि आप जब पॉन्ड के अंदर डिस्टरबेंस जनरेट करते हैं तो जो कॉर्क का टुकड़ा है वो बाहर यहाँ भाग जाए, ये थोड़ी यहाँ थोड़ी पहुँचता है, बस ये ऊपर नीचे नाचता है। आगे कौन बढ़ता है? तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद अब तो आप कम से कम पार्टिकल के मोशन में और वेव के मोशन में डिफरेंशिएशन करना सीख गए होंगे। जो भाग रहा है वो क्या है और जो वहीं है रुका हुआ है? तो क्या पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन अलग अलग है? शेप ऑफ द पल्स डज नॉट चेंज। क्या मेरी बात क्लियर है? कौन सी वेव पढ़ रहे हैं, साइनोसॉइडल या साइन वेव, जिसमें पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? SHM परफॉर्म कर रहे हैं। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और सिचुएशन थोड़ी सी अब चेंज होने वाली है। मैं तुमसे बस इतना जानना चाहता हूं, क्या तुम्हारे साथ जो आज हुआ क्या वो मेरे साथ पहले हो चुका है? जो तुम्हारे साथ आज हुआ क्या वो मेरे साथ पहले हो चुका है? जो तुम्हारे साथ आज हुआ क्या वो मेरे साथ होगा? पता नहीं होगा कि नहीं, यानी कि हर पार्टिकल के साथ वही होगा जो पहले किसी के साथ हुआ होगा। बेटे समझ में आ रहा? मैंने माना बेटे पार्टिकल सिंपल SHM कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए। कितना? ए। क्या बेटे फ्रीक्वेंसी ओमेगा कह दूं? अच्छा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई में है?
अब तक हम एसटीएम एक्स में पढ़ते थे, इस बार कहाँ है? तो जो अपनी इक्वेशन है ना, जैसे होती थी एक्स बराबर ए साइन वाई, लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ वाई? क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसका मतलब इस वाले पार्टिकल की इक्वेशन इज बेसिकली वाई इज इक्वल्स टू ए साइन। सर फाइन आउट क्यों लिखा? डरते नहीं है फाइन आउट से? फेज ही तो है। क्या है? और सर फेज तो लिखना में आता है, ये देख लेंगे पार्टिकल किधर मुंह मार रहा है। जिधर पार्टिकल मुंह मारेगा वहीं उसका फेजर बना के फाइन आउट ही तो लिखना है। लेकिन क्या एम्पलीट्यूड ए है बेटे? पता नहीं है कि नहीं, एम्पलीट्यूड साहब ए है। ये बेटे मीन पोजीशन है, प्लस ए से माइनस ए पर, और इसका ओमेगा है। तो द पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बाय द इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइन। और ये उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो एक्स बराबर जीरो पर है। सवाल ये नहीं है, सवाल जानते हो क्या है? आपको ऐसी मैथमेटिक्स डेवलप करने की, आप बता सको कि 3 मीटर वाले पार्टिकल का किसी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा। सवाल ये है, आप समझना क्या कहना चाह रहा है। दोबारा बताऊंगा, चिंता मत करो, मुझे पता है इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, बस इसी में टाइम लगता है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, जब यहां डिस्टर्बेंस हुआ तो क्या सारे पार्टिकल नाचने लगे? यार कोई कहीं मुंह मार रहा है, कोई कहीं, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है। जरा बताओ कि हर एक्स वाले का वाई अलग अलग है कि नहीं? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि जरा बताइए 3 मीटर वाले पार्टिकल का वाई कितना था इस टाइम पर। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? नहीं आया, कोई बात नहीं बेटे, मैं आपसे ये पूछूं यार, इसके बारे में बताने में दिक्कत है क्या कुछ? ये तो सिंपल एसएचएम की तो इक्वेशन है, इसमें तो एक्स की जरूरत भी नहीं क्योंकि एक्स बराबर तो जीरो है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मैं चाहता हूं एक ऐसी इक्वेशन को ड्राइव करना जिसमें मैं किसी भी टाइम टी पर किसी भी पोजीशन वाले पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट पे कमेंट कर सकूं। मैं ये बता सकूं कि 2 मीटर वाले पार्टिकल का 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट ये था, क्योंकि सर 3 मीटर वाले का अलग होगा, 4 मीटर वाले का अलग होगा अगर एक वेव मीडियम में चल रही है तो। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अरे भाई, अगर एक डिस्टरबेंस मीडियम में ट्रेवल करता हुआ जा रहा है तो क्या हर पार्टिकल डिस्प्लेस है कि नहीं? क्या हर पार्टिकल का वाई कुछ और है कि नहीं? क्या हर एक्स वाले पार्टिकल का वाई कुछ और है कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा? तो मैं एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन निकालना चाहता हूं जिससे मैं ये बता सकूं कि डायरेक्ट 2 मीटर वाले पार्टिकल का किसी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट इतना था। नहीं आ रहा भाई? मैं चाह क्या रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। सर आई वॉन्ट ए इक्वेशन इन विच आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी ऑफ पोजिशन एक्स। अगर एक अकेला पार्टिकल होता तो एक्स तो जीरो होता। अब इसका तो बता ही सकते हो, मजा कब है? जब मैं भविष्यवाणी कर सकूं इस वाले एक्स के, इस वाले एक्स की पोजीशन वाले पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बेटे समझ में नहीं आ रहा? यानी कि एक्चुअली आई जस्ट वॉन्ट टू नो द इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल नॉट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सॉरी, बड़े बड़े वर्ड यूज कर रहा हूं। मैं एक ऐसी इक्वेशन चाहता हूं, मैं चाहता हूं टी के साथ क्या हो, ताकि मैं टाइम टी पे तो वाई बता ही सकूं, लेकिन आई कैन स्पेसिफाई पोजीशन आल्सो, क्योंकि पार्टिकल एक नहीं है। यू हैव टू डिस्क्राइब कि आप डिस्प्लेसमेंट किस पोजीशन वाले पार्टिकल का लिख रहे हो। अब भी नहीं आया? तो विच टाइप ऑफ इक्वेशन आई वॉन्ट? आई वॉन्ट इक्वेशन वाई एज ए फंक्शन ऑफ टी और वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। वॉट इज द बेनिफिट ऑफ दिस एक्स? सर इसका मतलब, क्योंकि हर एक्स पर, क्या हर एक्स पर,
क्या भाई अलग अलग है ना? तो मैं ये भी तो बताऊंगा, अगर 10 पार्टिकल थे तो पांचवें नंबर वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं, वरना वाई एज अ फंक्शन ऑफ टी इज कंफ्यूजिंग। कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है कि वाई किसी टाइम टी पर का, तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं कि 2 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट बताओ, यहां तो अनंत पार्टिकल है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? नहीं आ रहा, यानी कि डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ सिग्निफिकेंस। ये इक्वेशन तो सही है जो वाई टी पर बता रहे, लेकिन ये तब सही है जब एक्स क्या कंफर्म है। सर इसी की तो बात कर रहे हो आप? अरे यार, क्या सबको क्लियर है? तो विच टाइप ऑफ इक्वेशन आई वॉन्ट? सर मैं एक ऐसी इक्वेशन चाहता हूं जिससे मैं सीधे सीधे शब्दों में बात करते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में एक बात करूंगा, ध्यान से सुनना। अब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, सीधे सीधे शब्दों में एक बात करूंगा बेटे। मैंने यहां डिस्टर्बेंस जनरेट किया और मेरी स्ट्रिंग के अंदर वाइब्रेशन पैदा हुए और ये एक वेव बन गई। ये पहले स्ट्रेट थी तो ये पार्टिकल यहां पहुंच गए। क्या सारे पार्टिकल अपनी जगह सब डिस्प्लेस हो गए हैं? क्या हर अलग पोजीशन वाले पार्टिकल का वाई क्या अलग अलग है? है कि नहीं? क्या मुझे इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसी टाइम टी पर पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी पार्टिकल का वाई बता सकूं किसी टाइम टी पर, तो जिस पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं उसका एक्स तो बताऊंगा ना, अदरवाइज देयर वुड बी कंफ्यूजन। यानी कि जस्ट वांट टू नो एन इक्वेशन बिटवीन नॉट ओनली एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज टी, ताकि मैं पोजिशन और टाइम पर वाई बता सकूं। नहीं यार, इट इज सो कॉल्ड एज जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। इसी को तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव बोलते हैं। आप खुद सोचो बेटे, वरना भी फर्क क्या था? अरे जब सारे पार्टिकल एस एच एम कर रहे हैं, क्योंकि मैं साइनसोइडल वेव पढ़ रहा हूं, तो फिर तो एस एच एम तो मुझे आता ही था। लेकिन अब एक चीज और ऐड हो गई है। हाँ सर, आप कौन से पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हो? इट इज इम्पॉर्टेंट। क्या बेटे मेरी बात क्लियर है? तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा एक ऐसी इक्वेशन जो मुझे किसी पर्टिकुलर एक्स पर होने वाले पार्टिकल के किसी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट वाई को बता देगा। वाई इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एंड एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। क्योंकि एक्स तो बेटे या तो वेव की डिस्टेंस है या उस पार्टिकल की पोजीशन है जो उस एक्सिस पर है। क्या तो समझ में नहीं आया? अच्छा, तो मैं कैसे सर इस इक्वेशन को कैलकुलेट करूंगा? बेटे कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा काम है, आइए जरा प्रयास करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये बेटे एक स्ट्रिंग थी, इसके सारे पार्टिकल्स थे और मैंने यहां एक डिस्टर्बेंस जनरेट किया, ये वाला। जब ये डिस्टर्बेंस जनरेट करूंगा तो इसका पड़ोसी भी हिलेगा। क्या उसका पड़ोसी भी हिलेगा? तो क्या एक झटका आगे बढ़ता जाएगा? और क्या थोड़ी देर बाद मुझे कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा जो आगे बढ़ रहा होगा बिना अपनी शेप चेंज किए बगैर? इसी को क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। और किसकी हेल्प से? जो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं लेकिन क्या ऑसिलेट कर रहे हैं? अजी बोलो, क्या कर रहे हैं? और वेव कहां बढ़ रही है? किस स्पीड? वी से, कांस्टेंट स्पीड वी से। किसे? कांस्टेंट स्पीड वी से वेव आगे बढ़े जा रहे हैं। पार्टिकल आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। सर आगे भी बोलोगे अब? बस बेटे 2 मिनट रुक जाओ। अब मुझे इतनी सी बात बताओ, वेव की स्पीड कितनी? प्यारे बच्चों, कांस्टेंट स्पीड है। मैं पहले बता दूं, ये भी अपना अजम्पशन है, एक्सेलरेट नहीं करती, कांस्टेंट स्पीड से चलती है प्यारे बच्चों। और ये है सोर्स जो क्या कर रहा है, एस एच एम कर रहा है, तभी तो वेव की शेप साइनसोइडल आ रही है। बना के देख लेना, ऐसी आएगी। अब मुद्दे पर आते हैं। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, जो इन भाई साहब के साथ आज समय टी पर हुआ, क्या वो इन भाई साहब के साथ, माना ये डिस्टेंस एक्स है, तो क्या x डिस्टेंस अगर v स्पीड से चले तो क्या यहां से यहां तक जाने में लगने वाला टाइम क्या x बटे v टाइम होगा? पता नहीं होगा कि नहीं, कितना टाइम होगा? तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगा,
क्या वो टाइम x बटे और क्या y अपने आप को रिपीट कर रहा है, यहाँ है तो यहाँ रिपीट कर रहा है, यहाँ है तो यहाँ रिपीट कर रहा है, यहाँ है तो यहाँ रिपीट कर रहा है, और यहाँ है तो क्या यहाँ रिपीट कर रहा है, पता नहीं कर रहा है कि नहीं, क्या सबको क्लियर है? क्योंकि शेप ऑफ द पल्स रिमेंस द सेम। मैंने कहा कि एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर किसी टाइम t पर इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो भी था क्या बेटे, वही डिस्प्लेसमेंट अब t प्लस क्या x बाई वी पर होगा? बोलो। अच्छा, मुझे इक्वेशन किसकी पता है, इसकी पता है या इसकी पता है? इसकी। क्या इक्वेशन थी? शाबाश। ए साइन ओमेगा टी है, क्या है ए साइन? आपको लग रहा होगा पता नहीं क्यों इतना सिर हो रहे हैं, इसलिए सिर हो रहा हूँ, अगर एक बार ये समझ में आ गई पूरे वेव में कुछ नहीं है। बेटे एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ ये टी का फंक्शन है तो जरा 3 सेकंड में पूछो तो यार 3 रखे वाई निकाल लो, 4 रखे तो वाई निकाल लो, 10 रखे तो वाई निकाल लो, टी और वाई तो है क्या, किसी भी टाइम टी पे वाई निकाल लो, क्योंकि वाई किसका फंक्शन है, किस पर डिपेंड करे, टी पर। अब मुझे बताओ, अगर मुझसे पूछ ले, क्या मुझसे यही तो पूछ रहा है कि सर किसी टाइम टी पर बताओ, तो सर आज इसके साथ जो टी पर हुआ है वो इसके साथ इस पर हो चुका होगा। बोलो बेटे। बिल्कुल, आज जो इसके साथ कितने टाइम पर हुआ है, टी पर, वो इसके साथ कब हुआ होगा? सोचो ना, पीछे चलो ना टाइम में। अरे भाई, जो इसके साथ आज टी पर, वो इसके साथ t माइनस एक्स बाई वी पर, तो जो इसके साथ t पर, क्या वो इसके साथ t प्लस एक्स बाई वी पर, तो जो इसके साथ t पर, वो इसके साथ t माइनस, यानी कि इसका मतलब y बराबर है a साइन ओमेगा t। अगर मैं t को t माइनस एक्स बाई वी रख दूं तो जो y मेरे पास आएगा क्या वो a साइन ओमेगा क्या t माइनस एक्स बाई वी होगा? क्या ये t माइनस एक्स बाई वी टाइम पर उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है जो ओरिजिन पे होगा? लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट वही तो होगा जो इसका t पर होगा। सर कंफ्यूजन आ गया है, कंफ्यूजन पक्का? अरे आपने क्या करा, t की जगह रख दिया ना, यानी कि जो आज इसके साथ t पर हो रहा है वो इसके साथ कब हुआ? और एक्चुअल में मुझे पता तो इसी का है ना। मेरे लिए आइडियल कौन सा पॉइंट है, मैं तो यही इसी के बारे में रहा हूं। तो जब भी मुझसे पूछे कि भाई तुम्हारे बारे में बताओ जरा, तुम्हारा क्या विचार है, कह रहा मुझे क्या पता, इससे पूछ लो ना। अजी मुझे क्या पता मेरा क्या है, मैं तो इससे पूछूंगा, हमें बहुत अच्छा पता, पीछे तो जाना है। जो इसके साथ आज 5 सेकंड पर होगा वो उसके 3 सेकंड पर हो गया होगा, और 3 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट तो आप निकाल ही सकते हो। समझ में नहीं आया? यानी कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी ऑफ पोजिशन एक्स विच इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू टी माइनस एक्स बाई वी। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि y x कॉमा t बराबर y 0 कॉमा t माइनस एक्स बाई वी। अभी फंक्शन पढ़ा नहीं आपने, लेकिन इतना तो पता है सबको, इतना भी नहीं पता, पता है क्या? देखो ना, x बराबर 0 वाले के साथ कब वही हुआ होगा जो t पर किसके साथ, x वाले के साथ। आपको यही तो चाहिए था, ये कुछ और चाहिए था? तो इसका मतलब सुन लो ना, कुछ नहीं करना, आपको दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, याद रख लेना। अगर आपको इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया हो x बराबर 0 वाले का, तो उसमें t की जगह क्या रख दो, उसमें t की जगह t माइनस एक्स बाई वी रख दो, बात खत्म। सर क्यों रख दें? और क्या सर, v स्पीड से जा रही है क्यों बेटे? तो x डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा?
एक्स वाई वी लगाना, तो जो इसके साथ टी पर वो इसके साथ टी प्लस एक्स वाई वी पर, और जो इसके साथ टी पर वो इसके पास टी माइनस एक्स वाई। तो इसका मतलब यहाँ जो भी इक्वेशन हो उसमें टी की जगह क्या रख दो। तो जरा बताओ क्या अब ये इक्वेशन केवल टी का फंक्शन है या एक्स और टी दोनों का फंक्शन है? यही तो वेव की जनरल इक्वेशन है। अब बताओ व्हाट इज वाई? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव और पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। व्हाट इज एक्स? सर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। व्हाट इज वी? क्या वेव की स्पीड है बेटे? तो जरा सोचो x और t पता हो तो y निकाल लूंगा। यानी कि इसका मतलब मुझे क्या पता ये इक्वेशन कैसा है, लेकिन इस इक्वेशन को देख कैसा लगता है कि अब y केवल t नहीं बल्कि x और t दोनों का फंक्शन है। यानी कि मैं किसी भी टाइम t और किसी पोजीशन x पर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ। ये अलग बात है कि ये डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का नहीं है जो x पर था, ये तो सर उसका है जो जीरो पर था x बराबर। नहीं आ रहा क्या? ये डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का है जो x पर है? डिस्प्लेसमेंट तो इसी का है। ये अलग बात है कि जो आज इसका है वो उसका फ्यूचर है, और जो आज इसका है क्या वो उसका पास्ट रह चुका है। तो जब मैं इसके बारे में बात करता हूं तो इसके मतलब मैं इस पर पहुंच करके बात करता हूं। कम आया? क्या सबको क्लियर है? तो जब मुझसे किसी पार्टिकल के बारे में पूछा कि जरा बताओ इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, आखिरी बार कह रहा हूं फिर रिपीट नहीं करूंगा बेटे प्लीज, इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मैंने कहा अरे जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है क्या ये उससे गुजर चुका होगा? कितने टाइम पहले? हाँ, अगर ये टी है तो क्या ये टी माइनस एक्स बाई वी पहले इससे गुजर चुका होगा? तो आज तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्प्लेसमेंट, सॉरी आज जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है इसका वही डिस्प्लेसमेंट कल था टी माइनस एक्स बाई वी पर था। मेरे ख्याल सबको क्लियर है? बोलो बेटे। एक मैथमेटिकली अगर आप चाहें तो वैसे भी देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये जीरो कॉमा टी माइनस एक्स बाई वी है। और सब बच्चे जानते हैं जब आपने वाई को लिखा था तो जरा बताओ क्या x बराबर जीरो और t पर क्या इसकी वैल्यू a sin omega t नहीं थी? अब जब जीरो कॉमा टी पर इतनी है तो जीरो कॉमा टी माइनस एक्स बाई वी पे कितनी है? सर ये रख दो उठा करके। तो क्या इक्वेशन आ गई सीधे सीधे a sin omega? बोलो किसकी इक्वेशन है? y क्या है? क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव? क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल? क्या पोजीशन ऑफ पार्टिकल? वी पार्टिकल की वेलोसिटी है वेव की वेलोसिटी? क्या वेव की वेलोसिटी है? और क्या ए एम्पलीट्यूड है? क्या ये तो सारी सोर्स की प्रॉपर्टीज है? क्या वन तो केवल काम ये ले रहे हैं कि वाई चूंकि शेप चेंज नहीं हो रही है इसलिए मैंने टी की जगह टी माइनस एक्स वाई लिया? क्या तो समझ में नहीं आया? क्या सब बच्चों क्लियर है? तो ये वेव की बेटे स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन कहलाती है। सोचो कितनी बढ़िया वॉशिंग मशीन आ गई मेरे पास, इस वॉशिंग मशीन में टी डालो एक्स डालो वाई बाहर। अरे हमें क्या मतलब कहाँ से फार्मूला है? फार्मूला तो अप्लाई करने की जरूरत होती है। अब भी बार बार तुम ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स, वी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थोड़ी ड्राइव कर रहे हो भाई। हो गया जब होना था तो सीधे फार्मूले लगा रहे हैं, गलत कह रहा हूँ? तो बेटे इसका मतलब क्या मेरे पास वाई एक टी और एक्स का फंक्शन दोनों का आ गई, तो मैं किसी टी और एक्स पर क्या वाई निकाल सकता हूँ? अच्छा क्या वाई बराबर लिख सकता हूँ ए साइन ओमेगा? बेटा ओमेगा को ले गए अंदर, ओमेगा टी माइनस ओमेगा वी बाई एक्स। और प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं एक नई टर्म के दैट इज इक्वल्स टू टू पाई बाई लैम्डा, इसको बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? इट इज द टू पाई टाइम्स ऑफ वन बाई लैम्डा, एक्चुअली इट इज द वेव नंबर। और इसको के से रिप्लेस करेंगे तो फाइनल इक्वेशन आ गई वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। प्यारे बच्चों तो आप चाहें तो सीधे सीधे इस इक्वेशन को याद रख सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटे? जनरल इक्वेशन ऑफ, और स्टैंडर्ड तरीका समझना, कुछ नहीं करना, रिप्लेस रिप्लेस
टी को किससे? टी माइनस। तो बेटे अगर मुझे ओरिजिन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है, किसका बेटे, और मुझे किसी टी वाले का पूछे, तो सर दोबारा ओरिजिन पे पहुंच जाओ और उसकी स्थिति देख लो क्या थी, वही तो आंसर होगा। क्या तो समझ में नहीं आया? आगे बेटे नोट करें फटाफट से। तो टी को किससे रिप्लेस करना है? टी माइनस एक्स बाई वी से। हाँ सर, ये बेटे 20 सेंटीमीटर है और वेव स्पीड कितनी है? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब सुनना ध्यान से। अच्छा नोट कर रहे हो क्या अभी? कर लो नोट कर लो। अरे यार कैपिटल टी के बाद तो साइन का फंक्शन अपना आपको फिर रिपीट करता है। आप समझो, आप सोचो ना, टी के बाद एक बार बताओ, ये टाइम कैपिटल टी हुआ? ये तो पीरियोडिक फंक्शन है बेटे। मान लो अगर 5 सेकंड पर कोई वाई अपने आप को रिपीट करे तो हो सकता है किसी अगले इंटरवल के बाद फिर वाई रिपीट करे। तो इस टर्म के बढ़ने का मतलब, कौन से वाली का, इस वाली टर्म के बढ़ने का मतलब वाई का बढ़ना थोड़ी है। क्या कह रहे हो सर? ध्यान से सुनो। अरे भाई इस टर्म के बढ़ने का मतलब क्या, वाई का बढ़ना है क्या? अरे सर साइन की वैल्यू तो कहाँ से कहाँ जाएगी? प्लस वन से माइनस वन तक जाएगी। आप समझो क्यों? तो ये तो सर इसका मतलब ये है कि अगर ये टर्म बढ़ती भी गई तो साइन का फंक्शन तो पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा, क्या बेटे कम होने लगेगा? तो ऐसा थोड़ी है कि आप सोचो टाइम को बढ़ाते जाओगे तो वही हमेशा बढ़ता ही जाएगा, ऐसा नहीं है। अब मेरी बात का मतलब समझ रहे क्या? अच्छा आप सुनो, अब मैं तुमसे ये कहूँ बेटे, ये इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है भाई कितना किसी टाइम टी पर? कब? अब आपसे कह रहे 15 सेकंड पे इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ। ये डिस्टेंस कितनी? स्पीड कितनी? यहां से यहां तक जाने में लगने वाला टाइम एक्स बाई वी से क्या प्यारे बच्चों? 2 सेकंड। समझना, यानी कि आज जो इसके साथ 15 सेकंड पे हो रहा है, क्या वो इसके साथ क्या 13 सेकंड पर हुआ होगा? अरे बोलो कितने सेकंड पर? इसका मतलब सर इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 15 पर वही था जो इसका, तो क्या टी को 13 रख दूं? तो आंसर आ गया y बराबर a साइन 2 × 30। सर मेरी नहीं समझ में आ। अरे अब भी नहीं आया बेटे, क्लियर है ना? पक्का ना? ये डिस्टेंस आखिरी बार कितनी? 20। स्पीड कितनी? तो यहां से यहां जाने में टाइम बताओ क्या? 2 सेकंड बेटे। तो इसका जो 15 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट है वो इसका कब हुआ होगा? 2 सेकंड पहले, यानी कि 13 पर। तो क्या 13 रख दूं? और क्या 13 रखते काम हो गया? नहीं समझ में आया? इट इज द सेम एज दैट ऑफ टी माइनस एक्स वाई। 15 माइनस एक्स वाई दैट इज 13। सो आई विल फाइंड
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ दिस पार्टिकल. इसका नहीं, इसका तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते. किसका? इसका, इसकी हेल्प से. नहीं, इसका, इसकी हेल्प से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसका पता है. भाई बहुत बकवास करते हो सर आप. सर मैं समझ में नहीं आएगा. बेवकूफ समझते होगा, बेवकूफ समझ रखा हमें जितनी बार समझाते हो. समझ में आएगा? मुझे पता है बेटे, मैंने बहुत एफर्ट मारी है ये टॉपिक समझाने में, ये कंसेप्ट समझाने में. इसमें मेहनत लगती है. बस यही एक बेसिक सा टॉपिक है. अगर आपको इस इक्वेशन की फील आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, ये मैं आपको लिटरली बता दूं. तो प्यारे बच्चों, अच्छा एक चीज़ और बेटे मैं आपको बता दूं, इस समय इसका जो भी फेज हो वो भी लिखना पड़ेगा. अभी तो यहाँ मीन पोजीशन पर है ये. कहाँ है? सोचो ये पार्टिकल मीन की जगह थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ तो. शाबाश. तो क्या बेटे मान लो ये पल्स हुई, तो क्या इसका कोई फेजर है ना? इसका प्लस ए से माइनस ए पर. तो क्या इसके मोशन यानी कि इसकी वेलोसिटी को देख करके कि ये मीन की तरफ जा रहा है या मीन से दूर जा रहा है, क्या इसका एक फाइन आउट भी तो लिख दूंगा? तो बस यहाँ पे फाइन आउट तो आएगा. तो ये आएगी इक्वेशन ए साइन टू टी प्लस फाइन आउट. फाइन आउट जू का तू और टी को किससे रिप्लेस करोगे? अपना काम हो जाएगा. अगर आपकी इजाज़त हो तो एक इक्वेशन और लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको फेस की भी फील आ जाए बेटे. आर यू रेडी? ओके. एक बात का लेकिन ध्यान रखना, ये बात आप समझ लें सब लोग. सबसे पहले सर प्लस ए और क्योंकि ये तय है सर, जो ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा सर यही तो वेव इसे इतने एम्पलीट्यूड पे जाएगी. पता नहीं जाएगी कि नहीं. बेटा आपको ये फील होनी चाहिए कि पार्टिकल यहाँ पे, जो भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे है और वेव की डायरेक्शन देख के देखो पार्टिकल की डायरेक्शन कैसे पता लगती है. मैं आपको एक बार याद दिला दूँ हल्का सा, जब हमने बेटे देखो जरा आपको याद है कि नहीं. अगर ये प्लस ए और ये माइनस ए हो और ये मीन पोजिशन है और पार्टिकल प्लस ए बाई टू से इधर मुंह मार रहा है तो क्या इसका फेज पाई बाई सिक्स है? तब मेरा दिल खुश होगा भाई. कितना है ये कैसे पता? अरे सर अगर अब ये भी नहीं आया लाना था हमारे ऊपर. ये प्लस है और ये क्या? ये प्लस ए बाई टू, तो यही फेस तो पाई बाई सिक्स है. पता नहीं है कि नहीं. और अगर ये पार्टिकल यहाँ होता और इधर जा रहा होता तो क्या ये पार्टिकल सर यहाँ होता तो क्या इसका फेस पाई होता? कितना होता? मुझे एक बात बताओ बेटे, अगर मैं इस डायग्राम को यूं वाले को ए यूं बना दूं यूं, सर कहाँ दिक्कत है? लो ना ये प्लस ए बाई टू, ये ऊपर मुंह मार रहा है तो इसका फेस भी तो पाई बाई सिक्स. गजब एक ही तो बात है, इतना बड़ा बेवकूफ क्यों समझते हो सर? अरे प्लस ए बाई टू उधर जा रहा है प्लस ए की तरफ तो इसका फेस भी तो कितना हुआ? पाई बाई सिक्स नहीं हुआ. चाहो तो फेजर डायग्राम से बना के देख लो. सर मुझे आ गया समझ में बिल्कुल. क्योंकि मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट वाई में है तो ऑब्वियसली फेजर में जो एक्स था बस वो वाई हो गया, बाकी सब जू का तो है. थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी मेरी, आगे बढ़ूं? चलो बेटे अब मैं तुमसे कहूं कि ये पार्टिकल प्यारे बच्चों यहाँ था और ये वेव आपको ऐसी दिखाई थी इस समय, ठीक? अच्छा मुझे वेव की इक्वेशन लिखनी है. मुझे पता है वेव इधर मुंह मार रही है कितनी स्पीड से? वी स्पीड से बेटे. और ये पार्टिकल मीन वाला ऑसिलेट कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा है, इसलिए इसकी इक्वेशन हुई वाई बराबर. मैं ये जानता हूं कि टी को तो टी माइनस एक्स बाई वी रखना ही है. क्यों बेटे? टी को क्या रखना है? अगर फाइन आउट मिल जाए तो मजा आ जाए. अगर तुम मिल जाओ फेस कैलकुलेट कर लेंगे हम. क्या जी? अब एक काम करो, ध्यान से सुनना. प्लस ए कहाँ है? ऊपर. और ये तो क्या पार्टिकल मीन पर है? इधर मुंह मार रहा है या इधर मुंह मार रहा है?
अरे मीन का मतलब तो दो होते हैं ना, गजब करते हो। अरे मीन का मतलब दो होते हैं भाई, या तो इधर जाना या इधर जाना। इसका तरीका सुनो, ए भाई साहब इसका तरीका सुनो, इसका तरीका ये है कि सब बच्चे जानते हैं पल्स थोड़ी सी आगे जाएगी, सुनो तो एक काम करो, ये पल्स यहाँ है तो ऑब्वियसली पीछे ऐसी पल्स बना लो, बना ली। अब एक काम करो, पल्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, कैसे, तो बताओ। अगर ये पल्स आगे बढ़ गई तो अब जो इसकी पोजीशन थी वो तो ये हो गई ना, अरे यार, और जो इसकी पोजीशन थी क्या वो ये हो गई। इसका मतलब ये वाला पार्टिकल अगले इंस्टेंट पर नीचे की तरफ आएगा, समझे सेठ जी। तो प्लस ए की तरफ या माइनस ए की तरफ, शाबाश। और माइनस ए मतलब अबे कितना फेज है, क्या बेटे पाई है। सर मुझे तो समझ में ही नहीं आया, समझने की कोशिश भी कर रहे हो, कर रहे हो, किसी किताब में नहीं मिलेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा, कितना ही पढ़ लेना। हल्का सा वेव को स्लाइटली जिस डायरेक्शन में चल रही हो हल्का सा आगे शिफ्ट करके देख लो कि ये वाली पोजीशन यहाँ आ रही है या ऊपर जा रही है। सर ये नीचे जा रहे, नीचे मतलब है तो मीन पर ही, लेकिन अगर थोड़ा सा आगे होता तो नीचे जाता, जाता गया तो नहीं है, तो यही ना। तो प्लस ए की तरफ या माइनस ए की तरफ, तो सब बच्चे जानते हैं फेदर के हिसाब से पाई होगा, यानी कि इस वेव के इक्वेशन में भाई साहब फाई नॉट तो हो गया पाई, और गुरुजी टी हो गया टी माइनस, तो इसकी इक्वेशन आ गई। सर अगली इक्वेशन मैं बताऊंगा आपको, मैंने कब मना करा, इसको सिंप्लीफाई कर लो एक मिनट बेटे। y बराबर a साइन ओमेगा t बेटे माइनस के एक्स, क्या बेटे प्लस पाई, और सब बच्चे जानते हैं 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यानी कि इट इज अगेन द वेव इक्वेशन। सर थोड़ा कम समझ में आया, चिंता मत करो, एक सवाल जब तक नहीं कराऊंगा तब तक नहीं आगे बढ़ूंगा। अभी एक मिनट, अभी मुझे और आपसे जो है, जब तक एक दूसरी इक्वेशन बल्कि दो इक्वेशन ना बना लूँ तब तक नहीं मुझे सुकून आने वाला है, आएगा भी नहीं ना आता, क्योंकि है ही ऐसी चीज। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में इकट्ठे नोट करना बेटे, रुक जाओ प्लीज एक मिनट बस। ये है साहब एक वेव, मतलब होता है बेटे y वर्सेस x, और ये किसी इंस्टेंट पर है, फ्रीजिंग टाइम है ये, आपने फोटो खींच लिया क्रैक, बड़ा रस्सी तो यूं चल रही है, हमेशा ऐसी थोड़ी रहेगी। इसका मतलब आपने t को क्या कर दिया था, फिक्स। बेटे वेव इधर जा रही है, प्लीज ध्यान देना कितनी स्पीड से, सब लोग जानते हैं t को t माइनस। टेल मी वन थिंग, क्या ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड प्लस ए है, क्या ये क्या पार्टिकल यहाँ है। अब बताओ भाई साहब, अगर मैं वेव को यहाँ होता सर ये क्या ऊपर जा रहा है, क्या है तो मीन पर, क्या प्लस ए की तरफ। सर इसका फाइन आउट मैं बताऊंगा, अजी जीरो होगा, मैं प्लस मीन पर है प्लस ए की तरफ जा रहा है, मेरे लाल और पीले नीले नहीं आ रहा,
तो जरा इक्वेशन बोलो क्या लिखो। प्लस जीरो। सर अगली इक्वेशन मैं बताऊंगा। अब देखता हूँ कौन चैलेंज कर रहा हो। बिल्कुल। अब देखो ये इक्वेशन बेटे अगर बता दोगे तो मेरी जिंदगी धन्य हो गई, मेरा भी जीना काम आ जाएगा और क्या। आर यू रेडी? नो सर? रेडी सर? बाई टू रटा हुआ इसलिए क्या? ए बाई टू की वजह से? अब ए बाई टू में देख लेना प्लस ए की तरफ जा रहा है माइनस ए की तरफ। पक्का? सर प्लस ए बाई टू है और कहां जा रहा है? तो बेटे फेजर बना दूं ऐसे। सर प्लस ए क्या? प्लस ए बाई टू क्या बेटे? यहाँ क्या पाई बाई और टी को किससे? तो इक्वेशन प्यारे बच्चों प्लस पाई बाई। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे सबको समझ में आ गया? अब भी नहीं आया क्या? तो फेज आएगा यहाँ से, क्या क्लियर है? और टी को किससे रिप्लेस करेंगे? टी माइनस। तो मुझे बताओ फाइनली, मैं एक बार बस आखिरी बार ये कह रहा हूँ, क्या किसी एक्स पोजीशन वाले पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अल्टीमेटली क्या यही पार्टिकल जिम्मेदार है? क्या जो इसके साथ आज टी पर है क्या वो उसके साथ टी मार? बस इनिशियल फेज भी तो पता हो। अबे तभी तो काम चलेगा, तभी तो इसकी जो कहानी है इसकी भी तो वही कहानी होगी इसकी, वरना अधूरी कहानी नहीं हो जाएगी? नहीं समझ में आ रहा? क्लियर है? नोट करो बेटे। अरे इतनी सी बना लो बस, क्यों इतनी सी? अरे सर आपने पूरी बनाया, हम ऐसे क्यों बनाया? अरे एक मिनट, एक ही क्वेश्चन लिख के दिखाओ पहले जरा। अभी मुझे थोड़ी देर पढ़ाना है भाई। नहीं सर, जिसे जाना जाइए, स्वागत है, आइए जाइए। एक ही क्वेश्चन तो भाई लिख के दिखानी पड़ेगी आपको। सर मैं बताऊंगा आपको, देखना आप। अभी बेटे ए बाई रूट टू प्लस के साथ
विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी। सर पहली बात तो ये तय है कि टी प्लस एक्स वाई भी तो हो नहीं सकते, लेकिन अभी तो मैंने वेव की डायरेक्शन थोड़ी बताई है, ये भी तो बताना पड़ेगा। अरे प्लस एक्स में जाएगी तभी तो। चलो पहली बात, एक मिनट बेटे, एक मिनट सर, इसका मतलब ये दो होंगी, ये दोनों तो हो ही नहीं सकती। अरे यार, क्या ये दोनों तय हैं? अब इनिशियल फेज लिखना है। क्या लिखना है बेटे? क्या इसको हल्का सा शिफ्ट कर दूं? ये यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या ये यहाँ, तो क्या नीचे जा रहा है? क्या मीन की तरफ या प्लस ए की तरफ? हैं, देखो कितने बच्चों का इसका फेजर आता है। ए बाई रूट टू। वेव, खाली वेव पढ़ने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जब तक आपने एसएम को अच्छे से ना पढ़ा हो, क्योंकि एसएम में तो हमने हवा में सीखे हैं। बोलो बेटे। क्योंकि एसएम में तो हमने भी, बिना एसएम के प्लीज उम्मीद मत करना कि कुछ ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एसएम भी आप थोड़ा सा पढ़े हो तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छी फील आती है। जरा बताइए, क्या पार्टिकल यहाँ है या यहाँ? क्या बात कर रहे हो, कन्फर्म है ना? क्योंकि सर इसका मतलब है यूं जा करके यूं आना, यानी कि मीन की तरफ आना। भाई इससे ज्यादा नहीं बता सकता। और सब बच्चे जानते हैं ये पाई बाई टू, ये पाई बाई फोर, तो फेज आ गया। सॉरी, पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, हाउ मच बेटे? क्या थ्री पाई बाई फोर? और जो इसके साथ टी पर, क्या इसके साथ टी माइनस एक्स बाई वी पर? तो सर इक्वेशन आ गई वाई बराबर ए साइन। सर इसका मतलब ये हुआ, अगर वेव, अरे सुनो, इसका मतलब ये हुआ बेटे, तो इसका आंसर क्या लिखूं भाई? सर इसका इसका एक मतलब ये हुआ, प्लीज, अगर वेव बेटे प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स पे ट्रेवल कर रही हो, मजा आएगा, ध्यान से सुनना। तो सर जो इसके साथ आज टी पर होगा, क्या वो इसके साथ टी प्लस, यानी कि अगर t की जगह रखता हूँ t माइनस एक्स बाई वी तो इधर वाली वेव आती है, और t की जगह रखता हूँ t प्लस एक्स बाई वी तो वेव आती है निगेटिव x वाली। नहीं आ रहा, यानी कि y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस एक्स बाई वी प्लस फाई नॉट। दिस विल रिप्रेजेंट्स द वेव ट्रेवलिंग इन निगेटिव x डायरेक्शन, क्योंकि अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन में बेटे वेव ट्रैवल कर रही है तो आई हैव टू रिप्लेस टी बाई बेटे टी प्लस एक्स बाई वी। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ईमानदारी से तो क्या सीखा हमने? हमने सीखा सर जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, जिसमें अब हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को किसी टाइम टी पर, क्यों भाई, सॉरी, किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को किसी पार्टिकुलर की पोजीशन के रेस्पेक्ट में किसी टाइम टी पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टी की जगह रखते हैं टी माइनस एक्स बाई वी तो वेव ट्रैवल कर रही है प्लस एक्स, और अगर टी की जगह लिख रहे हैं, अच्छा इस, अच्छा एक और बात, तो इसका मतलब एक चीज और प्लीज, अगर वाई बराबर बेटे लिखा हो फाइव साइन टू टी, ध्यान देना, फाइव साइन माइनस फोर एक्स, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। पहली बात यहां से डायमेंशनली समझो बेटे, ये तो पूरा का पूरा डायमेंशन लेस है क्योंकि ये एंगल है, क्या है, तो इसका मतलब ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे द डायमेंशन ऑफ y सेम एज दैट ऑफ द 5 जस्ट बिकॉज इट इज डायमेंशन लेस। तो अगर y है मीटर में, x है सेंटीमीटर में और टाइम है, तो ध्यान से सुनना, ये जो टर्म होगी ये वाली, ये है तो एम्पलीट्यूड। अरे यार भाई कंपेयर, बोलो बेटे, क्या कंपेयर कर लूं?
तो व्हाट अबाउट द एम्पलीट्यूड? यूनिट बोलो है सर, 5 meter. जस्ट बिकॉज द यूनिट ऑफ द एम्पलीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ y. अरे भाई अच्छा सर, ये पूरा डायमेंशन लेस है 4x, तो द डायमेंशन ऑफ 4 इज इनवर्स ऑफ x. डायमेंशन नहीं पढ़ा क्या? क्या 4x? अरे पूरा एंगल है ना, क्या डायमेंशन लेस होगा? तो x की डायमेंशन क्या ऑब्वियस है जो होंगी, तो क्या 4 की 1/x होंगी, यानी कि मीटर इनवर्स होंगी? क्या कंपेयर करने पर k कितना आ गया? अरे 4 पर, शाबाश, क्या 4 पर सेंटीमीटर? क्योंकि x किस में है? और जब k आ जाएगा तो क्या लैम्डा निकाल लूंगा? क्योंकि लैम्डा बराबर 2π/k, अभी तो सीखा. तो क्या 2π/4, क्या π/2 सेंटीमीटर? सर नहीं आ रहा, कम आया बेटे. व्हाट अबाउट ओमेगा? अरे सर यही तो ओमेगा है, यानी कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 radian per second, यानी कि सर ओमेगा भी आ जाएगा. समझ में आया बेटे? अच्छा वेव स्पीड और रह गई बस एक छोटी सी चीज, एम्पलीट्यूड आ गया यस सर, ओमेगा आ गया यस सर, क्या के आ गया? बेटे वेव स्पीड जानते सर? बस सर बेटे, आदर ओमेगा बाई वी या वी बाई ओमेगा? अरे के को पीछे देखो नोट्स में, के को लिखा था ओमेगा बाई वी, पता नहीं लिखा था कि नहीं. ओमेगा बाई वी कोई तो के लिखा था, पता नहीं लिखा था कि नहीं. और अगर ओमेगा को लिख लो 2πf और वी को लिख लो एफ लैम्डा, तो छमछम हो के 2π/λ यहीं से तो आया था. तो जरा सोचो इसका मतलब, अगर मुझे के पता है, ये रहा 4×10^-2 लिख रहा हूँ, छोड़ो ना सेंटीमीटर में ही लिख लो, क्या 4 पर सेंटीमीटर? और ओमेगा कितना बेटे? शाबाश, तो क्या वी आ गया 2 centimeter. 2 या 1/2? क्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड? अगर ज्यादा बाय बाय करी ना साले, दोबारा एक नया सवाल करा दूंगा. हाँ ध्यान रखना, पढ़ाने का बहुत शौक है मुझे, तुम्हें हो या ना हो पढ़ने का. एक सवाल और, बाय.